वेलकम टू प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे थे नाना क्लासेस की पुस्तक थी राजस्थान करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकांक जनवरी से जून 2023 तक। तो आज हम बात करेंगे इसमें मार्च 2023 का, जिसमें आपको पृष्ठ संख्या मिलेगी 47 से 55 तक। हम लाइन बाय लाइन जो है रिविजन करेंगे। जो विद्यार्थी RAS संगणक जूनियर अकाउंटेंट सूचना सहायक राजस्थान पुलिस, जो कि जिन विद्यार्थियों का CET में 40% आ रहे हैं, वो राजस्थान पुलिस के लिए जो है तैयारी कर सकते हैं। और अभी से करंट अफेयर्स इंडिया और राजस्थान दोनों स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो वहां पे करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इंडिया का प्रताप क्लासेस पर मिल जाता है और राजस्थान का नाना क्लासेस पर मिल जाता है। बाकी बुक का मैंने रिविजन करवा दिया, जिन विद्यार्थियों के पास बुक है अच्छी तरीके से बुक को पढ़ लीजिए। आपने देखा होगा सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में जून मंथ से ही सारा इस बुक में से क्वेश्चन आ गया था। अच्छे तरीके से रिविजन करें मेरे साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंच पाए। पहले प्रश्न की हम बात करेंगे, राइट टू हेल्थ विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का राज्य बना है पहला, तो ये राजस्थान बना है। अब क्यों पारित किया गया है? 21 मार्च 2022 को राइट टू हेल्थ विधेयक 2022 पारित करने वाला कौन सा हो गया? देश का पहला राज्य हो गया। तो दिनांक आपको याद रखनी है, 21 मार्च 2023 को राइट टू हेल्थ विधेयक 2022 पारित किया गया था। बिल में प्रावधान क्या है कि कोई भी निजी अस्पताल है वहां पे क्या है, इमरजेंसी में मरीजों का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकती। ठीक है, इलाज से मना करने पर पहली बार शिकायत पर क्या होगा, ₹10,000 और उसके बाद ₹25,000 तक का प्रावधान दिया गया है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिक शिकायत का भी गठन किया गया है। जिला स्तरीय प्राधिकरण का प्रावधान भी है, प्राधिकरण में ही शिकायतें सुनी जाएगी। यानी हम जो शिकायत करेंगे वो कहाँ पे सुनी जाएगी, जिला स्तरीय प्राधिकरण पर और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिक के। उल्लंघन के मामले में प्राधिकरण के फैसले को किसी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ठीक है, ये याद रखना आपको। दूसरा है, राजस्थान ILD स्किल यूनिवर्सिटी का नाम किस पर रखा जाना प्रस्तावित किया गया है? ये है विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के नाम पर। राजस्थान ILD स्किल यूनिवर्सिटी का नाम अब क्या कर दिया है, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। देखिए, राजस्थान बजट 2023 में राजस्थान ILD स्किल यूनिवर्सिटी का नाम विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी किया जाना प्रस्तावित है। कोटा, जोधपुर और उदयपुर में 10 करोड़ की लागत से प्लेनेटेरियम बनाए जाने की घोषणा है। तो अब कहाँ बनेंगे प्लेनेटेरियम, कोटा, जोधपुर और उदयपुर में कितना करोड़, 10 करोड़। आजकल जो है आंकड़े पूछे जाते हैं। जनजाति क्षेत्र के युवाओं हेतु गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इक्यूवेशन एंड इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा है, ये आपको याद रखना है। तो राजस्थान ILD स्किल यूनिवर्सिटी का नाम क्या कर दिया है, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। देखिए, मुख्य तथ्य की बात करें तो विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना की बात करें तो राज्य बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार, इसकी 2023-24 की घोषणा के अल्प आय वर्ग की महिलाओं, कामगार, विभिन्न वंचित वर्ग, केस कला, माटी कला, कारीगर, घुमंतु आदि को स्वरोजगार के लिए शुरू की जाएगी। आवश्यक औजार खरीदने जैसे सिलाई मशीन के लिए 5,000 का अनुदान दिया जाएगा। 30,000 हस्तशिल्पी व कारीगरों को उनके उत्पादों के विपणन हेतु 10,000 की सहायता दी जाएगी। ये आपको याद रखना है, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत जो है जो भी काम करते हैं उनको क्या है, राशि दी जाएगी। जो औजार खरीदते हैं उनको 5,000, जैसे सिलाई मशीन वालों को 5,000 का अनुदान दिया जाता है। और जो 30,000 हस्तशिल्पी है या कारीगरों को उनके उत्पादों के विपणन हेतु क्या किया है, जो भी उत्पादन करेंगे उसके लिए 10,000 की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो 20 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ किया गया। देखिए, मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ 20 मार्च 2023 को। योजना के तहत राज्य सरकार आवागमन में असमर्थ लाभार्थियों को चिन्हित कर उनसे संपर्क करेगी। चिन्हित व्यक्तियों के पास सेवा प्रदायक को भेजकर उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश के दिव्यांग, वृद्ध, विधवा, महिलाओं आदि आश्रित लोगों को जन कल्याणकारी योजना से घर बैठे जुड़ा जा सकेगा। देखिए, जन आधार ई वॉलेट लॉन्च हुआ था 20 मार्च 2023 को, ये भी आपको याद रखें। तो मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो दिव्यांग है, वृद्ध है, विधवा महिलाएं हैं, उनको क्या है, घर बैठे ही इस जन कल्याणकारी योजनाओं के अंदर जोड़ना, इसका मुख्य उद्देश्य है।
20 मार्च 2023 इसकी आपको जो है डेट याद रखनी, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। राज्यों में सड़कों के बढ़ते यातायात दबाव और सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए किस प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है, तो ITMS के साथ। ठीक है, देखिए राज्य में सड़कों के बढ़ते यातायात दबाव और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS यानी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को सुदृढ़ बनाने हेतु मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। 100.99 करोड़ अतिरिक्त वित्तीय जो प्रावधान को मंजूरी दी है। अब इसमें मेन उद्देश्य क्या है, क्या है कि जो राज्य में सड़कों के बढ़ते यातायात दबाव है और सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए ये जो है ITMS यानी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को सुदृढ़ बनाने हेतु मुख्यमंत्री ने ये जो है वित्तीय प्रावधान दिया है, ये आपको याद रखना। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को 20 सूत्री कार्यक्रम के आयोजन क्रियान्वयन के लिए गठित जिला प्रथम स्तरीय समिति ने मनोनीत किया है, शिरोई ने। अभी नीरज डांगी का जो है क्वेश्चन आया था RPC के अंदर, तो देख लेते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के आयोजन क्रियान्वयन व समन्वय के लिए गठित जिला प्रथम स्तरीय समिति में सिरोही की समिति के लिए राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को मनोनीत किया गया तथा जालौर जिले की समिति के लिए भाजपा सांसद देवजी पटेल को मनोनीत किया गया था। 6 नंबर है, मनरेगा में 1 करोड़ मानव दिवस सृजित कर देश में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? राजस्थान। मनरेगा में 1 करोड़ मानव दिवस सृजित कर देश में राजस्थान राज्य शीर्ष पर रहा था। राजस्थान देश में GDP की विकास दर में दूसरे स्थान पर है। GDP की विकास दर में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर ये रहता है। 7 नंबर देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 23 फरवरी 2023 को गांधी स्मृति उद्यान का लोकार्पण किस जिले में किया है? तो अजमेर के अंदर गांधी स्मृति उद्यान, इसके द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 23 फरवरी 2023 को, ठीक है, अजमेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 23 फरवरी 2023 को गांधी स्मृति उद्यान का लोकार्पण अजमेर में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको जनवरी से जून 2023 तक की PDF चाहिए, जून जुलाई जुलाई 2023 तक की PDF चाहिए, तो आपको क्या करना है, नंबर मैं आपको दे देता हूं। नंबर है 84260 84260 35805 35805 8426035805। ठीक है, 84260 35805 35805 84260 35805 इस नंबर पर कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट करके आप ₹50 सेंड कर देना, आपको जनवरी से जुलाई 2023 तक की PDF मिल जाएगी। देखिए राजस्थान में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा फंड बनाया गया है? तो राजीव फंड बनाया गया है, ये देख लेना। ठीक है, राजीव फंड किसके लिए है? राजस्थान में जो स्टार्टअप आपको प्रोत्साहन करता है। देखिए 9 नंबर, 20 से 22 मार्च 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया था? जोधपुर के अंदर किया गया था। 20 से 22 मार्च 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन बोरा नाड़ा जोधपुर में किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा 20 निर्यातकों को राजस्थान निर्यात पुरस्कार 2021 प्रदान किए गए। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो जोधपुर में प्रतिवर्ष आयोजित होगा। जोधपुर में हस्तशिल्प निदेशालय खोला जाएगा। तो अब आपको ये हर वर्ष जो है इसका आयोजन किया जाएगा। तो अब आपको याद रखना है कि राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो है कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। जोधपुर का स्थान क्या है, कौन सा है? बोरा नाडा के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना। सांसद CP जोशी को राजस्थान में भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है, ये किस लोकसभा सीट से सांसद है? तो चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से सांसद है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राज्य सरकार ने डॉक्टर सविता बेन अंबेडकर योजना के तहत अंतर जातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10 लाख कर दी गई है। ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में इसने पूछा था, फर्स्ट ग्रेड जो एग्जाम हुआ था ये सेम क्वेश्चन पूछा था कि कितनी राशि बढ़ा दी गई है, तो 10 लाख बढ़ा दी गई है। ठीक है, डॉक्टर सविता बेन अंबेडकर योजना याद रखना। ठीक है, ये है किससे संबंधित है? तो अंतर जातीय विवाह पर है। देखिए हम बात करते हैं, राज्य सरकार ने डॉक्टर सविता बेन अंबेडकर योजना के तहत अंतर जातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वर्तमान में यह प्रोत्साहन राशि 5 लाख रुपए थी,
लेकिन अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित इस अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की विवाह के उपरांत देय 10 लाख रुपए तक की राशि में से 5 लाख रुपए 8 वर्ष के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट कराए जाएंगे। शेष 5 लाख रुपए वर वधु के संयुक्त बैंक खाते में जमा कराए जाएंगे। 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा होगी। देखिए, इसमें 10 लाख है, 10 लाख की जो है एक साथ नहीं मिलेंगे, ये किस्तों में मिलेंगे। 5 लाख आपने पहले कर लिया, उसके बाद 5 लाख मिलेंगे, यानी 10 लाख आपको याद रखना है। जो अंतरजातीय विवाह करता है उनको क्या मिलेंगे, डॉक्टर स्वीता बेन अंबेडकर योजना के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपए उन्हें क्या खाते में डाले जाएंगे। राज्य सरकार ने विशेष योगजनों के साथ विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के तहत सहायता राशि बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दी है, तो 5 लाख तक। ठीक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विशेष योगजनों के लिए के साथ विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए राज्य सरकार की सुखद दाम्पत्य जीवन योजना, ये योजना देख लेना, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जा सकती है क्या इसका संबंध किससे है, तो विशेष योगजनों के साथ विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के तहत सहायता राशि में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से विशेष योग्यजनों को सम्मान मिलेगा। योजना में 80% या इससे अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को जीवन साथी बनाने पर आर्थिक सहायता 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। पहले कितनी थी, 50,000 थी, अब कितनी कर दिया, 5 लाख रुपए। इसके तहत सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के तहत, ठीक है। देखिए, 22 मार्च 2023 को विश्व जल दिवस पर राजीव गांधी जल संचय योजना यानी RGJSY का द्वितीय चरण प्रारंभ है। किसके द्वारा किया गया, तो रमेश चंद मीणा के द्वारा। अब क्या है कि विश्व जल दिवस पर राजीव गांधी जल संचय योजना है ये, ठीक है। इसका द्वितीय चरण जो स्टार्ट लॉन्च किया गया था रमेश चंद मीणा के द्वारा 22 मार्च को। 22 मार्च 2023 को विश्व जल दिवस पर राजीव गांधी जल संचय योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री है रमेश चंद मीणा ने की थी। 33 जिलों की 349 पंचायत समितियों में 2600 करोड़ रुपए की राशि से योजना के दूसरे चरण की अवधि 2 वर्ष होगी। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी होगा। जो राजीव गांधी जल संचय योजना होगा, इसका जो नोडल विभाग होगा वो जिला कलेक्टर के पास होगा, और इसका द्वितीय चरण जो है रमेश चंद मीणा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। देखिए, अब बूस्टर डोज राजीव गांधी जल संचय योजना के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। राज्य में वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण, संरक्षण एवं उपलब्ध जल का न्यायोचित उपयोग करने हेतु 20 अगस्त, ठीक है, ये स्टार्ट की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, 19 से आपको बता देता हूं, थोड़ा तो पीछे वाला क्वेश्चन है, तो ये 20 अगस्त 2019 को क्या है, 20 अगस्त 2019 को क्या हुआ, राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत होती है, ये याद रखना है। 20 अगस्त में आपको लिख देता हूं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, 20 अगस्त 2019 को क्या है, इस योजना की शुरुआत होती है, ठीक है। प्रथम चरण में 1450 ग्राम पंचायतों में 4029 गांव शामिल किए गए थे, ये आपको याद रखना है। तो राजीव गांधी जल संचय योजना 20 अगस्त 2019 को स्टार्ट किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व जल दिवस पर, ठीक है, जल दिवस के द्वारा, जल दिवस पर राजीव गांधी जल संचय योजना का द्वितीय चरण ग्राम पंचायत के द्वारा जो है रमेश चंद मीणा के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना। अब आगे हम बात करते हैं, 19 से 21 मार्च 2023 राजस्थान आईटी दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, जयपुर के अंदर किया गया था। जवाहर कला केंद्र है जयपुर में 19 से 21 मार्च 2023 को राजस्थान आईटी दिवस 2023 का आयोजन किया गया। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा 24 से 26 मार्च 2023 को मेवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, उदयपुर के अंदर। राजस्थान पर्यटन विभाग तथा उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा 24 से 26 मार्च 2023 को मेवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया। कहां पे, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में, ये भी आपको याद है। राजस्थान दूध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, यह लगभग देश को कितने प्रतिशत उत्पादन कर रहा है, यानी 15% देश का जो है हमारा राजस्थान का दूध उत्पादन कर रहा है, ठीक है, याद रखना है आप। यह लगभग देश का 15% जो है उत्पादन करता है, और सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत में दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो भारत में भी कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। तो राजस्थान 15.05% दूध उत्पादन के साथ देश में प्रथम स्थान पर है।
देखिए वर्ष 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन 1.76 करोड़ अनुमानित है। ठीक है, प्रचलित मूल्यों पर आंकड़े पूछे जा सकते हैं। राजस्थान राज्य में पशुधन क्षेत्र से होने वाली आय में दूध, अंडे और मांस का प्रमुख योगदान है। दूध का है 82.62%, मांस का है 5.37% का, अंडे का है 0.68% का योगदान है पशुधन क्षेत्र में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बेहतर कार्य के लिए सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022 कैटेगरी में प्रदेश के कितने जिलों को पुरस्कार मिले हैं? तो 8 जिलों को मिले हैं। राजस्थान के 8 जिलों को टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बेहतर कार्य के लिए सब नेशनल क्या है, पुरस्कार क्या है, सब नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022 कैटेगरी में पुरस्कार मिले हैं। विश्व क्षय रोग दिवस पर वाराणसी में आयोजित वन वर्ल्ड टीबी समिट में मिशन निदेशक NHM श्री सुधीर कुमार शर्मा ने यह पुरस्कार प्राप्त किए हैं। प्रदेश के 4 जिलों बारा, भीलवाड़ा, जालौर, जैसलमेर को रजत पदक मिला है। राज्यों के 4 जिलों बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर को कांस्य पदक से पुरस्कृत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा टिब्बी उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों में राजस्थान देश में 19वें स्थान से चौथे स्थान पर आ चुका है। अब आपको याद रखना है ये, ठीक है, आंकड़ा कहीं ने अभी पूछा था सेकंड ग्रेड में कि मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है मूंगफली उत्पादन में, तो सेकंडवा स्थान था। तो चौथा स्थान है किसमें, टिब्बी उन्मूलन के लिए प्रयास करने पर। राजस्थान द्वारा टिब्बी उन्मूलन के लिए टिब्बी हारेगा राजस्थान जीतेगा अभियान की श्रृंखला में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय पशुपालन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो सुरेंद्र अवाना को। किसको? सुरेंद्र अवाना को राज्य स्तरीय पशुपालन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। राजस्थान के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना को कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में किए गए नवाचारों एवं किसानों को जागरूक करने के लिए राज्य स्तरीय पशुपालक पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया। गोवा में योनेक्स सनराइज मास्टर वेटरन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में एक स्वर्ण एक रजत पदक जीता है। तो हिमानी पूनिया ने, आपने देखा होगा सेकंड ग्रेड के एग्जाम में खेल से संबंधित लगभग क्वेश्चन आए थे, तो आरएस में पक्का कर लेना सारे के सारे जो भी इस पुस्तक के अंदर है। अलग से मैं तो कहता हूँ नोटबुक लगा लो, चाहे आप संगणक की तैयारी कर रहे हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट की, बुक लगा के जितने भी खेल के क्वेश्चन है जनवरी से जुलाई तक सारे एक बुक में उतार लो, पक्का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपने देखा वो सेकंड ग्रेड में आए थे। गोवा में यूनेक्स सनराइज मास्टर वेटरन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में हिमानी पूनिया ने दोहरे खिताब जीते। हिमानी ने 40 वर्ग महिला एकल के एक फाइनल में 36 गढ़ी मनीषा सिंह को हराकर गोल्ड पर कब्जा किया। वहीं 40 वर्ष महिला युगल में हिमानी ने तमिलनाडु की नल्लई गांधीवती के साथ मिलकर सिल्वर मेडल प्राप्त किया। हिमानी ने दोहरे खिताब प्राप्त कर साउथ कोरिया में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में जगह बनाई। राजस्थान बैडमिंटन संघ के सचिव है के शर्मा। अगला देखिए, 25 से 27 मार्च 2023 को राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर में। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2019-20 के तहत जोधपुर स्थित जनाना बाग में, जोधपुर में ये 25 से 27 मार्च को राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। फेस्टिवल का आयोजन कला संस्कृति साहित्य और पुरातत्व विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें जवाहर कला केंद्र को नोडल एजेंसी बनाया गया है। जोधपुर में पहली बार राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल होने जा रहा है। जयपुर विरासत फाउंडेशन JVF फाउंडेशन द्वारा क्यूरेट किए गए पहले राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजन से राजस्थानी भाषा और साहित्य को प्रोत्साहन और नई ऊर्जा मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 मार्च 2023 को हीरालाल शास्त्री और उनकी पत्नी रत्ना शास्त्री के नाम पर किन सड़कों का नामकरण किया है? जयपुर शहर, जोबनेर, जयपुर निवाई, टोंक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिनांक 24 मार्च 2023 को सड़क नामकरण वनस्थली विद्यापीठ में शुभारंभ किया। जोबनेर पंडित हीरालाल शास्त्री मार्ग कॉलेज रोड पर स्थित पंडित हीरालाल शास्त्री के निवास के सामने से त्रिंगार चौक तक लाने वाली सड़क को, जयपुर पंडित हीरालाल शास्त्री मार्ग चांदपोल दरवाजे से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। किस जिलों में बायोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो बीकानेर और अजमेर में। बायोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेंगे? तो ये बनेंगे अपने बीकानेर और अजमेर के अंदर।
बीकानेर और अजमेर में बायोलॉजिकल पार्क बनेंगे, जयपुर जंतुवालय को पक्षी विहार, बीकानेर जंतुवालय को पक्षी विहार और रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। पक्षियों के संरक्षण और संवर्धन हेतु 50 पक्षी घर बनाए जाएंगे। गोडवाड़ देसूरी पाली में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किए जाएंगे। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2022 की बात करें तो राधा निवास क्रिकेट क्लब की ओर से प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ सीनियर व जूनियर महिला क्रिकेटर को सुंदर कांति जोशी अवार्ड दिए जाते हैं। इस बार सब जूनियर वर्ग में भी अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की गई है। सीनियर वर्ग की बात करें तो सुमन मीणा को मिला है, जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा को और सब जूनियर वर्ग में पर्ल बाणावत को जो है सुंदर कांति जोशी पुरस्कार मिला हुआ है। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से मीरा पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? रति सक्सेना को। मीरा पुरस्कार 2022-23 की बात आ रही है तो रति सक्सेना को, ठीक है। और राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के मीरा पुरस्कार, देखिए 2022-23 जयपुर की रति सक्सेना को कविता पुस्तक है इनकी हंसी एक प्रार्थना के लिए दिया गया था। राजस्थान साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका है मधुमति और वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर दुलाराम सहारण और स्थापना इसकी 1958 में होती है, ठीक है। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 में होती है। तो इसकी मासिक पत्रिका आती है वो होती है मधुपति मधुमति आती है। और ये अवार्ड किसको दिया गया? रति सक्सेना को, इनकी पुस्तक थी हंसी एक प्रार्थना के लिए। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा जनार्दन राय नागर सम्मान 2022-23 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला जो है 1 लाख का जनार्दन राय नागर सम्मान वर्ष 2022-23 के लिए अजमेर निवासी डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को दिया गया। श्री हबीब कैफी व शिवराज संगाणी को विशिष्ट साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। अब आपको याद रखना है कि राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा ये दिया जाता है जनार्दन राय नागर सम्मान 2022-23 डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को, ठीक है। अगला है राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2022-23 के लिए पुरस्कार घोषित किए गए हैं। देखिए राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक पुरस्कार घोषित किए गए हैं। हृदय राघव पुरस्कार बांसवाड़ा के भरत चंद्र शर्मा को, इनका उपन्यास है पीर पर्वत सी के लिए दिया गया था। सुधिंदर पुरस्कार जयपुर की कवि हैं माया मृग को, कविता संग्रह इनका मुझ में मीठा तू के लिए इन्हें दिया गया। देवीलाल सामर पुरस्कार जयपुर के हैं अजय अनुरागी को, नाट्य कृति इनकी राग नंबर। देवराज उपाध्याय पुरस्कार भरतपुर के मूल के राजा राम भादु को, आलोचना कृति इनकी कविता के आयाम के लिए दिया गया। कन्हैयालाल सहल पुरस्कार जयपुर के व्यंग्यकार यश गोयल को, कृति है इनकी नामुमकिन नेता के लिए। बाल साहित्य के क्षेत्र का शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार कांकरौली की कुसुम अग्रवाल को, बाल एकांकी पुस्तक है हम सब एक है के लिए दिया गया। ये सारे के सारे आपको याद रखने, कहीं ना कहीं एग्जाम से पूछा जा सकता है। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा अखिल भारतीय माघ पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई है? प्रमोद कुमार शर्मा को। माघ पुरस्कार 2000 ये याद रखना है 22-23 में, ठीक है। अखिल भारतीय माघ पुरस्कार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा को दिया गया, ये आपको याद रखना है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के द्वारा प्रदेश के कितने प्रतिष्ठित कलाकारों को सम्मानित किया गया है? तो 75। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के तत्वावधान में डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज में आयोजित अवार्ड में पुरस्कार वितरण समारोह में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला और मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री रमेश बोराणा ने प्रदेश के प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट 75 कलाकारों को सम्मानित किया। इस दौरान 1 फेलोशिप, 12 अवार्ड, 6 युवा, 5 बाल पुरस्कार के साथ 51 कलाकारों को ये कला पुरोधा पुरस्कार सम्मानित किया गया। अगला देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों में सिलिकोसिस रोगियों के लिए सिलिकोसिस विंग की स्थापना करने की मंजूरी दी है? जोधपुर अजमेर के अंदर, ठीक है, ये सेम है। इस प्रस्ताव के अनुसार जोधपुर के एन चेस्ट चिकित्सालय और अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में सिलिकोसिस विंग की स्थापना होगी। इसमें 27 करोड़ रुपए की लागत आएगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रदेश की पहली खो खो लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर के अंदर। प्रदेश में खो खो की पहली लीग जयपुर में जून महीने में खेली जाएगी। इस लीग में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी। कितनी टीमें? 8 टीमें। अब सेकंड ग्रेड के एग्जाम में क्या पूछा गया? जो राजीव गांधी खेल है उनमें कितने कितने खेल शामिल है? तो 7 7 खेल शामिल है ग्रामीण और शहरी के अंदर।
फरवरी 2023 में राजस्थान आवासन मंडल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो 54वां स्थापना दिवस मनाया गया था। राजस्थान आवासन विभाग का 24 फरवरी 2023 को, अब 24 फरवरी को राजस्थान आवासन मंडल दिवस मनाया जाता है, में 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। आवासन मंडल आयुक्त है पवन अरोड़ा। राजस्थान आवासन विभाग की स्थापना 24 फरवरी 1970 को हुई थी, 24 फरवरी 1970 को। 33 नंबर, 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का शुभारंभ फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस जिले से किया था? तो बीकानेर से। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का शुभारंभ किया। इसका आयोजन 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किस जिला प्रशासन द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10वीं बोर्ड परीक्षा में मेधावी छात्रों को हवाई यात्रा करवाई जाएगी? तो पाली। पाली जिला प्रशासन द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए गए नवाचार के तहत वर्ष 2021-22 की 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10 मेधावी छात्रों को हवाई यात्रा करवाई जाएगी। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में व्यास मेडिसी सिटी का लोकार्पण किया है? तो जोधपुर में। ये इंपोर्टेंट है, पक्का पूछा जा सकता है। व्यास मेडी सिटी का जो है लोकार्पण कहाँ किया गया? जोधपुर में। 18 से 20 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में लोक रंजन मेले का उद्घाटन के दौरान जोधपुर में ये व्यास मेडी सिटी का उद्घाटन किया। अगला था, 2 मार्च 2023 को राज्य सरकार के कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग की ओर से मेगा जॉब फेयर कहाँ लगा? चौमू, जयपुर में। ठीक है, ये 2 मार्च 2023 को चौमू में मेगा जॉब फेयर लगा था। ये कार्यालय जयपुर है, और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के संयुक्त तत्वावधान में उदयपुरिया मोड़ पर यूनिवर्सिटी कैंपस ये आयोजन किया गया था। राजस्थान के किस शहर में 4 से 5 जनवरी 2023 तक मेगा जॉब फेयर आयोजित किया गया? तो उदयपुर के अंदर 4 से 5 जनवरी को। राजस्थान सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से जयपुर स्थित क्षेत्रीय उद्यान विज्ञान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन कब किया गया? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, उस दिन किया गया था। ठीक है, ये आ गया, जयपुर के अंदर किया गया था। और राज्य सरकार की नई पीढ़ी में वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने और विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए सभी शिक्षण संस्थाओं में 15 मार्च तक जागरूकता अभियान चलाएगी। नोबेल पुरस्कार विजेता भारत रत्न डॉक्टर सीवी रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को की थी, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2023 की थीम है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस किस राज्य में स्थापित होगा? जयपुर में। ठीक है, 2023 बजट में जो है राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी एंड ई गवर्नेंस की स्थापना कहाँ पे की गई है? जयपुर के अंदर की गई है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये खोला जाएगा सेंटर खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में खोला जाएगा ये। ठीक है, आपको याद रखना है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद यानी राजीविका द्वारा किस जिले में स्वयं सहायता समूह ये योजना चर्चा में चल रही है कि महिलाओं द्वारा शहद एक ब्रांड मधु सखी नाम से शुरुआत की है? झालावाड़ के अंदर। ठीक है, ये ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। राजफेड द्वारा 100 मेट्रिक टन का पशु आहार प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो झोटवाड़, जयपुर के अंदर। मोस्ट कर लेना। राज्य सरकार पशुपालकों को गुणवत्तापूर्वक पशु आहार की आपूर्ति के लिए आधुनिक साधनों से युक्त 100 मेट्रिक टन का पशु आहार प्लांट स्थापित करेगी। राजफेड द्वारा जयपुर के झोटवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। राजफेड का पशु आहार प्लांट वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था। इस प्लांट को अधिकतम कार्य मैनुअल ऑपरेशन से संचालित हो रहा है। राजफेड की फुल फॉर्म देखिए, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ। राजफेड की स्थापना 26 नवंबर 1957 को हुई थी, ये पक्का कर लेना। ठीक गई थी, ठीक है। राजफेड की स्थापना होती है 26 नवंबर 1957 को। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, और जो राजफेड का पशु आहार प्लांट लगाया था 1973 में। प्रदेश में मंदिरों की भूमि के संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई जाएगी? तो नंदन कानन योजना, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी गया है। ठीक है, ये चार द्वारी कर उन्हें सुरक्षित विकास देवस्थान विभाग नंदनकानन योजना, बस आपको याद रखना है कि मंदिरों की भूमि को संरक्षण करने के लिए चलाई गई है। समेल गांव में मुरेल नदी पर एनीकट बनाने के लिए 22.80 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है, यह किस जिले में है? तो दौसा के अंदर है, मुरेल नदी पर बनाया गया है एनीकट बनाने के लिए।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दौसा जिले के लालसोट तहसील के सुमेल गांव में मुरेल नदी पर एनीकट बनाने के लिए 22.80 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान में किस राज्य बजट घोषणा में 36 कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई थी 2022-23 में, ये आपको याद रखना है, जिसमें 450 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। चर्चित खेल खिलाड़ी इंसा गुर्जर से संबंधित बॉक्सिंग, इंसा गुर्जर किस से संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित है। इंसा गुर्जर की बात करें बॉक्सिंग से, कपीश सिंह है तीरंदाजी से, लवी सहारन जूडो से, मुकेश कुमार कसवा है रोड साइकिल से, सुष्मिता लॉन्ग जंप से है, किरण डिस्कस थ्रो से, महेंद्र सरन ट्रैक साइकिलिंग 10 मीटर स्क्रेच रेस में। इन सब खिलाड़ियों ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। अब ये मोस्ट खेलना भी जो खेलो 5वां जो संस्करण हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम भोपाल मध्य प्रदेश में, उसमें हमारे राजस्थान के ये 7 खिलाड़ी थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, मेहरानगढ़ ट्रस्ट की ओर से 10वां उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? हंसराज हंस को। राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया, इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हैं? 9। राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन, इसमें अध्यक्ष सहित 9 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एक 7 सदस्य हैं। नोडल विभाग होगा इसका सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। ठीक है, ये याद रखना आपको। भादवा वाला ग्राम पंचायत को प्रदेश की पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित किया गया है, यह किस जिले में है? श्रीगंगानगर में। ठीक है, ये आपको रखना क्या है कि पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन चिरंजीवी योजना से पूछा जा सकता है। राज्य की पहली चिरंजीवी बीमा से रजिस्टर्ड होने वाली संपूर्ण ग्राम पंचायत नरसाना जालोर है। अगर आपसे पूछ ले चिरंजीवी बीमा से जो रजिस्टर होने वाले पहली ग्राम पंचायत है नरसाना जालोर, लेकिन जो है पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित है तो वो कौन सी हो जाएगी? श्री गंगानगर। ठीक है, और रजिस्टर होने वाली चिरंजीवी बीमा से, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सेकंड ग्रेड में आया था। सारी योजना पूरी पूछ ली उसने तथ्य में, तो पूरी योजना याद है तभी उसको सही कर पाओगे। शुरुआत 1 मई 2021 को, बजट 2021-22 में 5 लाख रुपए, बजट 23 में 10 लाख रुपए और बजट 24 में बढ़ाकर 23-24 में 25 लाख रुपए कर दी। अब उसने ऑप्शन में क्या डाला कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की बजट 2022 में राशि 5 लाख रुपए थी, इसमें डाला था, कथन सही था। इसकी शुरुआत 1 मई 2021 को हुई थी, ये डाला था। अब इसने पूछा कि 23-24 में बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिए, ये भी कथन सही था, लेकिन इसका मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत परिवार द्वारा चुकाई जाने वाली प्रीमियम राशि 850 रुपये प्रति वर्ग परिवार है। जो पैकेज था वो दिया था 1998, ये गलत था उसमें। ठीक है, तो ये याद रखना है, पूरी डिटेल आप याद किया करो। 25 से 26 फरवरी 2023 को गांधीवादी संस्थाओं को 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय मेला का आयोजन किया गया अजमेर के अंदर। ठीक है, और राजस्थान शांति एवं अहिंसा विभाग की स्थापना अक्टूबर 2022 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। 2 मार्च 2023 को हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर का प्रथम दीक्षांत समारोह बनाया गया, इसके वर्तमान कुलाधिपति है प्रोफेसर सुधीर राजीव कुमार को। ठीक है, श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन की ओर से किसे बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? डॉक्टर नरेंद्र भूषण को। किसको? डॉक्टर नरेंद्र भूषण को। जयपुर के पर्यावरणविद डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को पर्यावरण संरक्षण व समाज सेवाओं के कार्यों के लिए बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। वंशिका शर्मा की बात करें तो वंशिका शर्मा ने 42 सेकंड में 6.31 अरब का पहाड़ा सुनाकर गणित में विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट चैंपियनशिप अवार्ड दिया गया? तो डॉक्टर कीर्ति भारती को। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली प्रथम महिला अधिकारी कौन थी जो राजस्थान की से है? तो के शिवा चौहान उदयपुर की है, ये आपको याद रखना है। तो बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया था डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को। हाल ही में चर्चित राखी रणवा का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। अब ये जो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आप एक नोटबुक में अलग से उतार लीजिए, ठीक है, फिर उसी नोटबुक को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, आपका क्वेश्चन खेल से संबंधित गलत नहीं होगा। केरल के कोल्लम में आयोजित 68वीं सीनियर महिला पुरुष बाल बैडमिंटन प्रतियोगिता, अब प्रश्न क्या पूछा जाता है यहाँ से लगता है वो, केरल के कोल्लम में आयोजित 68वीं सीनियर महिला पुरुष बाल बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रदेश की राजस्थान की किस खिलाड़ी ने अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? इस प्रकार दे देता है पूरा तथ्य, देखो इसने डाल दिया प्रश्न में।
तो अब आपको याद रखना है, या इसका पूछ लेगा कि राखी रणवा को बेस्ट अपकमिंग प्लेयर ऑफ द पुरस्कार दिया गया था, ये किस खेल की खिलाड़ी है। प्रश्न तो ये सीधा बना हुआ है, बस तैयार है ये। राखी रणवा को यह पुरस्कार लगातार तीसरी बार प्रदान किया गया है। तो आप अच्छे से एक नोटबुक लीजिए और उस नोटबुक में खेल खिलाड़ी से संबंधित क्या है अलग से क्वेश्चन उतारते रहिए, ताकि आपको इधर उधर नहीं भटना पड़ेगा, नहीं वीडियो देखना पड़ेगा। जैसे मैं रिवीजन करा रहा हूँ तो पूरा जनवरी से लेकर जून तक उतार लीजिए, उसमें कितना टाइम लगता है, एक दिन लगी है पूरा। जितने भी खेल खिलाड़ी हैं, सुबह अगर आप डेली 1 घंटा इसके लिए निकालते हो ना, एक टॉपिक के लिए, एक टॉप जैसे पहले आपने खेल खिलाड़ी जो है कंप्लीट कर दिया 5-6 दिन में, यानी 1 घंटा डेली निकालोगे ना, जनवरी से जुलाई आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 1 10-15 दिन आप लगाइए जो योजना से संबंधित, सारी योजनाएं अच्छी तरीके से जो चल रही है उनके तथ्य फैक्ट अच्छे तरीके से बना लीजिए, आपको काम देगा और आपकी अगली पीढ़ी पढ़ रही है उनको भी ये योजनाएं काम देगी, ठीक है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के बजट को घोषणा 2023-24 में हुई थी, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, अब ये आ गई, अब पूरी डिटेल शिव सर ने दे रखी है, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उतार लीजिए अच्छे तरीके से। राज्य बजट घोषणा 2022-23-24 में हुई, 18 से 35 वर्ष के उद्यमियों को हेतु शुरू की जाएगी, वे 100 करोड़ पे। इसमें युवाओं के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत उपलब्ध लाभ के साथ साथ पुरुष व महिला उद्यमियों को क्रमशः 10% और 15% मार्जिन मनी 5 लाख की सीमा तक दी जाएगी। इसमें 5,000 युवाओं को उद्यमी लाभ होगी। अब ये क्या करता है कि सीधा दे देगा कि निम्न में से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना से संबंधित है, ये सारा ही डाटा डाल देगा वो उसमें, ABCD निम्न में से असंगत है। यहाँ पे 5,000 की तरह उसने दे दिया 3,000 युवाओं को उद्यमी लाभ होगी, तो क्या करोगे आप, तो अच्छी तरीके से उतारो और अच्छी तरीके से पढ़े। बस क्वेश्चन तैयार है, आपको बस पढ़ना है अच्छे तरीके से। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी, जोधपुर में, ठीक है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामदोली जयपुर की तर्ज पर जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। कोटा, भरतपुर, उदयपुर में विशेष योग्य जन महाविद्यालय खोले जाएंगे। अगला है प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना राजस्थान बजट 2023-24 की बात करें, प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना राजस्थान बजट 2023 में घोषणा हुई थी, व्यय इस पर 65 करोड़ रुपए और 500 डे केयर सेंटर इसमें खोले जाएंगे। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में जल महिला की भूमिका निभा रही स्वयं सहायता समूह की महिला जिन्हें जल योद्धा श्रेणी में सम्मानित किया गया, तो गायत्री देवी यादव। गायत्री देवी यादव की बात करें तो निवासी है सांबर जयपुर की, और इन्हें ये स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह दिया गया। योगदान की बात करें तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सांबर में कोरम पौंड बनाने की क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य तो दिया गया। राजस्थान की पहली नो बेक डे को लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के ने सम्मानित किया, यह सप्ताह के किस दिवस को आयोजित होता है, तो शनिवार को जो है नो बेक डे बनाया जाता है, ठीक है। ये लंदन वर्ल्ड बुक में भी रिकॉर्ड हो चुका है, ये सम्मानित किया गया था। और 19 नवंबर 2023 से खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान में शतरंज शुरू किया गया, इसके लिए लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सम्मानित किया गया। जयपुर के RUHS यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के तर्ज पर मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी, बोरावास जोधपुर में, ठीक है। ये याद रखना है आपको, बजट की घोषणा हुई थी 2023-24 के अंदर, जयपुर में बनेगी ये, जयपुर का जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के तर्ज पर बनेगा, बोरावास जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। 500 करोड़ से मारवाड़ यूनिवर्सिटी इसमें व्यय किया जाएगा, प्रथम फेज में 50 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी मिल चुकी है। राजस्थान में जापानी तकनीक से ऑक्सीजन पॉकेट्स कहाँ बनाए जाएंगे, तो सिटी पार्क जयपुर में, ठीक है। ऑक्सीजन पार्क कहाँ पे है, कोटा के अंदर, ये भी याद रखना आपको। और सिटी पार्क जयपुर में राज्य में सबसे ऊंचा तिरंगा बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी दिव्या कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से है, घुड़सवार से है, ये भी आपको याद रखना है। और एशिया की नंबर वन घुड़सवार बनी है ये वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी महासंघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार। महिला प्रीमियम क्रिकेट लीग में राजस्थान की कितनी महिला खिलाड़ियों का चयन हुआ है, तो 5 खिलाड़ियों का। भारतीय सेना द्वारा जम्मू में 48 आर्मेडर रेजिमेंट के मुख्य द्वार पर शहीद मेजर विकास बांबू की प्रतिमा लगाई गई, इनका संबंध किस जिले से है, हनुमानगढ़ जिले से है। अक्टूबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के सियांग क्षेत्र में हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण शहीद हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के मेजर विकास शंभू बांबू का प्रतिमा जम्मू में 48 आर्मी रेजिमेंट के मुख्य द्वार पर लगाई गई। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में राजस्थान के 3 जवान शहीद हो गए थे। राजस्थान
राजस्थान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में देश में किस स्थान पर रहा है? तो प्रथम स्थान पर रहा है अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में, ये भी याद रखना है। 25 से 27 मार्च 2023 को राजस्थान साहित्य उत्सव, साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर में किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा थाना 10वीं रैंक पर आया है? तो हिंडिमल कोट श्री गंगानगर, किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रैंकिंग में, ठीक है, 10वीं रैंक श्री गंगानगर जिले की आई है। 14 से 16 जुलाई 2023 को डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर, ये 14 से 16 जुलाई 2023 को आयोजित किया गया था, इसका तीसरा संस्करण जयपुर के अंदर। स्वाभिमान सिंह मेडिकल कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह के तहत आयोजित समारोह में डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमनस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर मालती गुप्ता को, ठीक है। अगला है 26 फरवरी 2023 को द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से 48वें रोज शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सिटी पार्क जयपुर के अंदर, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। तो रोज शो 2023 का आयोजन सिटी पार्क जयपुर के अंदर। किस राज्य को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड के लिए चुना गया है? तो राजस्थान को, ये याद रखें। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की ओर से अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का शुभारंभ किस जिले में किया गया? पुष्कर अजमेर के अंदर, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। राज्य बजट वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने सामूहिक विवाह सम्मेलन को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 25,000 बढ़ा दी गई है। सामूहिक विवाह योजना के तहत अब प्रति जोड़ा 25,000 रुपये दिए जाएंगे और नववधु को 21,000 और संस्था को 4,000 का अनुदान, ठीक है। 2023-24 में सहायता राशि के रूप में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया, इसमें लगभग 4,000 जोड़ों को सामूहिक विवाह अनुदान उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया। यह राशि 1 अप्रैल 2023 से संपन्न विवाह सम्मेलनों को या लोगों को देय होगी। यह राशि 18,000 दी जा रही थी, इसमें 15,000 नववधु और 3,000 संस्था को दिए जा रहे थे पहला, लेकिन अब कितने कर दिए? 25,000। 25,000 में से 21,000 नववधु को दिए जाते हैं और 4,000 का अनुदान है जो संस्था को दिया जाता है। प्रदेश में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया गया? तो 11 फरवरी को, ठीक है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी को किया गया। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति, यहाँ पे राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किस वरिष्ठ रंगकर्मी को वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विलास जानवे को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के वरिष्ठ रंगकर्मी विलास जानवे को वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रदेश में किस जिले में कुपोषित बच्चों के लिए मिशन आर्य के तहत मिशन भीम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? तो दौसा के द्वारा। राजस्थान के विशेष योग्य जन्य विद्यार्थियों के कानूनी अधिकारों और योग्य जनों की पालना की जांच के लिए स्कूलों के निरीक्षण का विशेष अभियान किस जिले में शुरू किया गया है? उदयपुर के अंदर शुरू किया गया है। 10 से 12 मार्च 2023 को शेखावटी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर शेखावटी महोत्सव, ठीक है। और हनुमानगढ़ के जोकिया साउथ ब्लॉक और खुंजा नॉर्थ ब्लॉक में किस खनिज के भंडार मिले हैं? पोटास के मिले हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सीकर के दरीबा में खनिज कॉपर बेस मेटल के भंडार भी मिले हैं, ये आपको याद रखना है। नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड किसके साथ मिलकर राजस्थान में 11 सोलर पावर प्लांट स्थापित करेगी? तो जोधपुर डिस्कॉम के साथ, जोधपुर डिस्कॉम और नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के बीच एक एएमयू जो है एमयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस एमयू के तहत अमृतसर बठिंडा जामनगर एक्सप्रेस वे पर राज्य में 3 जिलों मानगढ़ बीकानेर और जोधपुर के कुल 6 स्थानों पर 11 सोलर पावर प्लांट विकसित किए जाएंगे। यह पावर प्लांट कोहला गांव हनुमानगढ़, बीकानेर के मलकीसर, कोपल्यान रोड, नोरंगदेसर व रस्सीसर गांव और जोधपुर जिले के भीम मकोर गांव में लगेंगे और 8 सब स्टेशन को कवर करेंगे। यह पावर प्लांट सौर कृषि आजीविका योजना के तहत लगाए जाएंगे, ये भी याद रखना है आपको। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में कौन सा जिला राजस्थान में पहले स्थान पर रहा है? तो उदयपुर। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सुमित मेहरडा चर्चा में रहने का कारण है? राज्यपाल कलराज मिश्र के परिचय बने हैं। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाली योग्य सिंह का संबंध किस खेल से है? तैराक से है, ये भी आपको याद रखना है।
राजस्थान सरकार ने प्रदेश के कितने जिलों के 7,834 गांव अभावग्रस्त घोषित किए हैं? तो 15 जिलों को, ठीक है। और सर्वाधिक झालावाड़ के हैं, 1597 ग्राम पंचायत ग्राम शामिल है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सागरमल मेहता का निधन हो गया, उनका संबंध रहा है, तो पूर्व महाधिवक्ता थे ये भी आपको याद रखना है। और 1992 से 1998 में 2 बार महाधिवक्ता भी बने थे। भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? गुड़ा मलानी बाड़मेर के अंदर। बाजरा उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादन होता है। 2 साल पहले केंद्र सरकार ने बाड़मेर जिले के गुड़ा मलानी में बाजरा अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा हुई थी। अगला है, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ने ग्रामीण महिलाओं के लिए ग्राफिक डिजाइन कोर्स हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो वनस्थली विद्यापीठ टोंक के साथ। राज्य सूची प्रौद्योगिकी विभाग ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स उपलब्ध करा रहा है, ये भी आपको याद रखना। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ने ग्रामीण महिलाओं के लिए, ये तो आ ही गया ना, वनस्थली विद्यापीठ टोंक के अंदर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में देवास तृतीय और चतुर्थ भागों के निर्माण के लिए 1691 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसकी घोषणा किस वर्ष बजट में हुई थी? 23-24 में, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, 13 से 14 मार्च 2023 को राजस्थान में मिलेटस कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय मिलेटस वर्ष के तहत राज्य में आगामी 13 और 14 मार्च 2023 को राजस्थान मिलेटस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। आयोजन जयपुर स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में होगा। वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र की ओर से एक अंतर्राष्ट्रीय मिलेटस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। उष्ण देश के राजस्थान बाजरा की बुआई क्षेत्र व उत्पादन देश में प्रथम स्थान पर है। देश में बाजरा क्षेत्रफल में राजस्थान का 57.1% तक उत्पादन और 41.71% है। प्रदेश में मिलेटस महोत्सव के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2022-23 में राजस्थान मिलेटस मिशन की घोषणा की थी। उद्योग विभाग और राजस्थान फाउंडेशन 23 और 24 सितंबर 2023 को इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर, यह भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, बूस्टर डोज की बात करें, राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त हैं श्री धीरज श्रीवास्तव। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 2001 में हुई थी और वर्ष 2000 में राजस्थानी डायस्पोरा का महत्व समझते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में पहली बार इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन भी हुआ था। राजस्थान के किस प्रसिद्ध नेता को पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में अग्रणी भूमिका के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो उषा शर्मा को, जो कि राजस्थान की मुख्य सचिव है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल में राजस्थान में कुल कितने पदक जीते? 10। तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 में आयोजन यानी गुलमर्ग कश्मीर में हुए थे। राजस्थान में इसमें कुल 10 पदक, 6 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। सर्वाधिक पदक जीतकर शीर्ष पर जम्मू कश्मीर रहा था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 15,000 से बढ़ाकर कितने कितने की मंजूरी कर दिया? तो 30,000 विद्यार्थियों की, ठीक है। तो आज हमारा 47 से लेकर 55 पेज तक हमने रिवीजन कर लिया है। कल हम लगभग जो है मार्च को कंप्लीट कर देंगे, कल हम मार्च को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फरवरी और जनवरी रह जाएगा, उसको भी हम जल्द ही कंप्लीट कर देंगे। तो आरएस संगणक जूनियर अकाउंटेंट और राजस्थान पुलिस के विद्यार्थी जल्दी से तैयारी में लग जाए। आपको पता है करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता जाए। अब आपको जो है इस पुस्तक का जल्द ही रिविजन करवा दिया जाएगा। और जय हिंद जय भारत दोस्तों, और बने रहिए मेरे साथ और डेली रिविजन कीजिए इस बुक का, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, आपके लिए रामबाण होगी। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।